तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम माइकल है और आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। और आज की वीडियो में आपको पियानो की एडिटिंग बताऊंगा। ग्रैंड पियानो सॉफ्ट है ये वाला, और आप इसको सॉफ्ट प्ले करोगे तो बहुत अच्छा फील देगा ये, और स्लो मोशन वाले या वर्शिप सॉन्ग्स के लिए बहुत अच्छी टोन है ये। तो अभी आपको पहले मैं आपको इसका डेमो सुना देता हूँ, और डेमो सुनाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रिदम्स और टोन्स लाता रहूं। तो आई होप आपको ये डेमो मेरा पसंद आया होगा। तो अब मैं आपको इसका एडिटिंग बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ग्रैंड पियानो लेना है 02 वाला, और अब उसके बाद आपने मिक्सर बटन को लॉन्ग प्रेस करना है और रिवर्ब इसका कर देना है 60। वॉल्यूम ने 127 ही रहेगा, और उसके बाद डिले इसका 40 कर देना। अब इसको एग्जिट करके फंक्शन बटन को सिंगल प्रेस करो और रिवर्ब में आ जाओ, और इसको 24 कर देना आप। और कोरस इसका आप कर देना 01 ही रहने देना इसका, सॉरी कोरस को, डिले को 13 कर देना आप इसका। फिर उसके बाद इसको एग्जिट करके इसको लॉन्ग प्रेस करना फंक्शन बटन को, और उसके बाद अब रियल गेम शुरू होती है। अटैक टाइम इसका 40, रिवर्ब सेंड 90, कट ऑफ इसका 70, रेजोनेंस 50। उसके बाद आगे चलते जाना, हमने वॉल्यूम 127 कर देना। उसके बाद वेलोसिटी भी 63 रहेगा। उसके बाद रिवर्ब साउंड अगर कुछ ज़्यादा होगा, कम ज़्यादा तो कर लेना, सही 60 कर लेना। कोरस को हमने नहीं कुछ छेड़ना, और डिले साउंड 40, और इसको यहाँ से एग्जिट कर देना और इसको सेव कर देना। उसके बाद फ्रेंड्स 18 नंबर, उसके बाद सेम वही मिक्सर बटन को लॉन्ग प्रेस करना और रिवर्ब साउंड का 60 कर देना, और डिले साउंड इसका भी 40 कर देना, और यहाँ से सेट करके उसके बाद फंक्शन बटन को सिंगल प्रेस करना। इसका जो रिवर्ब है ये भी 24 ही रहेगा, और जो इसका कोरस है वो भी 13 रहेगा इसका भी। अब इसका हमने अटैक टाइम इसका हमने 23 रखना है, रिलीज टाइम 74, कट ऑफ 68 कर देना, रेजोनेंस 60 कर देना, वॉल्यूम इसका आप 110 कर देना, वेलोसिटी को हमने नहीं छेड़ना 63 के 63 रहेगा। उसके बाद ये सेम रिवर्ब साउंड 60 आ जाएगा, और कोरस के बाद डिले आ जाएगा 40, और उसके बाद इसको सेव कर देना। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहले आपने
जो हमारी ग्रैंड पियानो जो हमने पहले एडिट की थी, पहले आपने वो लगानी है, फिर उसके बाद आपने लेयर करनी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स आज की वीडियो को देखने के लिए।